न्यू ब्लॉग आज ना सबा है ना बीबी है, आज पहली सहरी उनके बगैर होने वाली है। अबे मैं कर लूं। चल उठ उठ उठ। माम मेरी इफ्तारी नहीं बनाइएगा। क्यों? मैं भी वही इफ्तारी करूंगा ना। भाई घूम घूम कर आया भी है। ओए सर नहीं मारो अपना। पापा का मुंडा, पापा को देखना है आज। पापा को देखना है मेरे मुंडे ने भाई। आहा पापा से बातें करनी है भाई। ओए जगह और सबा को लाइट वाइट तो बंद कर दे भाई। आज तो अगर गेट ही बंद कर दे तो मसला ही नहीं है, क्योंकि बेबी की आवाज तो आनी नहीं है। अबे दोनों महाराज इधर बैठे हुए, अबे क्या कर रहे हो दोनों? मीटिंग मीटिंग हो रही है भाई। इन दोनों की तो मीटिंग खत्म नहीं हो रही। आज पापा के बाद मैं बैठा हूँ। अरे साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में जाओ। जवा जवा जवा। खाने में है भाई आज कीमा। आप देखते हो कि यार हमारे घर में सिर्फ कुछ चंद डिशे बनती है, चंद डिशे मतलब की हफ्ते में दो बार बनती है, कुछ हफ्ते में तीन बार ही बन जाती है। बार बार बना ना समझ जाएगा भाई, वो फेवरेट है पूरे घर की। आजा आजा आजा। बस शॉपिंग पर गया था क्या? उसको वहीं छोड़ा है। नानी के तो गया हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन छोड़ा मॉल था ना। अच्छा बोलो नानी वाले मॉल आए मेरे। तो शॉपिंग करके लोग चले गए होंगे अपने घर का। तो आज की सहरी मुन्ना और सभा तो वही कर रहे हैं भाई। अब देखते भाई इफ्तारी वहाँ करेंगे या यहाँ पर। अबे अबे तू कुछ नहीं खा रही क्या? मैं नहीं, मैंने बिरयानी पहले खा ली थी। अच्छा फिर ठीक है, तो करते हैं चुपचाप सहरी और मिलता है आपको खाना खाकर। ओके तो हो चुकी है भाई सहरी, पराठा पूरा खत्म हो गया था, सो ये थोड़ा सा बच गया। वेटर भाई तो मुझे बिरयानी डाल के खा लो ना, ये कीमा जो बच गया थोड़ा। ये दिमाग नहीं खराब हो रहा है? ठीक कब था? आपको चीज सिखाता हम करते थे बचपन में ना, ये टमाटर की अभी तक आते हैं, जब भी पराठा नहीं खाया था छुपा देता है। ये देखो ओमे सारा ही छुपा दिया। देखो इसने ऐसे रखा हुआ है, पता लग रहा है कि एक निवाला होगा, जब हटाया तो पूरा का पूरा। हम लोग करते थे ना बचपन, अभी भी आपा इसने आपसे ही छुपाया, आपके साइड पे नहीं दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। सो भाई मॉम और पापा तो पीते हैं चाय। मॉम से लेकिन एक गुड ले लेता हूं मैं। ब्रश ब्रश चलो चलो उठो 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 भाई। ब्रश नहीं करना तूने क्या? अड़ी अड़ी ब्रश चलो चलो तुम करो, मैं कराऊंगा ना मेरे आपसे। मैं नहीं पे छोड़ दो, ये धोना पड़ेगा फिर तेरा आपसे। अबे मैं कर लूं। चल उठ उठ चलो चलो। ये अच्छी चीज है भाई, जिसको ब्रश कराना है तो मुंह के बरीब ले जाओ भाई। ब्रश कर ब्रश फोटो उठाओ। हाँ मैं कर रहा हूँ। इधर तो टूथपेस्ट ही नहीं है, इधर होगा। अबे टूथपेस्ट कहाँ गया? ओके जनाब, नमाज से ब्रश से और सहरी से फ्री हो गए, अब सोते हैं और मिलते हैं आपको सुबह उठकर। अबे कहाँ फंस गया हूँ भाई। बंदा अपने बालकनी में आता है ठीक है, वो बोलता है कि यार रोशनी आएगी, अच्छा व्यू आ रहा होगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन हम जब आते हैं अपने देसी लोग, देखते हैं बालकनी में सारे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, तो क्या मजे करेंगे। तो यार आज जो है ना बड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ना उठने के बाद डायरेक्ट बाथरूम को लेता हूँ और उसको खिलाता पिलाता हूँ, वहाँ से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज वो है ही ना, तो बड़ा ही ना मतलब सुना सुना लगा है। सुना भाई कल तोते आए मम्मा को गिफ्ट एडिट बॉय की तरफ से, ये वाले। अरे क्या कमाल के तोते आए भाई। ओ भाई ये तो बड़े प्यारे हैं, कहाँ चले गए? अबे छुप गए क्या? अब ऊपर चले गए वो देखो। मॉम जब बासी में तो कैसा लगता है आपको? मुझे सुस्ती चढ़ जाती है। सुस्ती क्यों? सोने लगती हूँ ना, वरना इसको संभाल दी। हाँ। अभी इफ्तारी की तैयारी भी शुरू होने लग गई यहाँ पर। मॉम पता क्या करती है, ये पकोड़े की कटिंग जो आई है ना, ये मॉम सबसे ज्यादा काट के रखती है, बाकी ताजा बन रहा होता है। एल्टीट्यूड बॉय, एल्टीट्यूड बॉय भी नहीं है घर में, भी कोई नहीं है भाई, मम्मा मैं और भाभी होंगे बस। मैं सुना सुना हो रहा यार आज। हाँ मेरी इफ्तारी नहीं बनाइएगा, मैं भी वही इफ्तारी करूंगा ना। तुम तो अब बता रहे हो, लेट दावत आई है, अब क्या करें, कल भी दावत रह गई थी मेरी वहाँ की। चले जाऊ दोबारा अल्लाह हाफिज करने आ गई। जा सिम सिम। ओए ओए गाने कहाँ से आ गए यार? पाकिस्तानी एफएम बिना नात लगा लो यार कोई। गाड़ी की सर्विस गाइस 10,000 रुपए करवाई थी, अभी हो रहे हैं 16,000। गाड़ी ऑप्शन भी दी थी, मैं दिखाता हूँ कि वो बोली सर्विस करवाओ। जैसे ये कार के ऑप्शन पे गया मैं, यहाँ पर मैंने किया गाड़ी चेक, देखो यहाँ पर शो हो जाए। ओए सर्विस इन 0 किलोमीटर, मुझे बोल रहा है गाड़ी चलाओ नहीं और सर्विस कराओ बस। अभी ये 100 किलोमीटर बोला था, 100 किलोमीटर मैंने रात को चला ली। खराब ना हो जाए क्या? चल जाती है गाड़ी मतलब? तो सर्विस ना कराओ और ये ऑप्शन दे रही हो गाड़ी भाई 0 किलोमीटर पे आपने सर्विस करानी है, और फिर भी आप गाड़ी को चलाते रहो तो गाड़ी खराब होती है ना गाइस, मुझे लगता है खराब होगी। फिर कल परसों करवा दे चलो कल, क्योंकि आज तो हम जा रहे हैं। सो लेट्स गो अभी, चलो चलो चलो। दान में सारे खामोश हो जाते हैं और रोजे के बाद पटर पटर शोर करना शुरू कर देते ना। अब ऐसा सीन है कि रमजान तो देखो सारे के सारे पीसफुल है, लेकिन जब रमजान के अंदर रोजा हो ना इंसानों का, जैसे कि ये सारे लोग कितने खामोशी से मजे से पीसफुली चला रहे गाड़ियां, कोई साइड है नहीं, कोई फड्डे नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं, तो ये पीसफुल ना ये रोजे की हालत में ही मैंने देखा है। वैसे तो होना रोजे के बगैर भी चाहिए, लेकिन अब ये सबकी आदतें बन चुकी हैं कि रोजा है तो वो मतलब पीसफुल है। रोजा जैसे ही खत्म हुआ मगरिब
अवतार खुली, उसके बाद वो डायरेक्ट भी दोबारा वैसे हो गए। ये मैंने सोचा कि पूछूं यार क्या सिस्टम है भाई, ऐसा क्यों होता है। अरे एक मिनट भाई, चलो चलो चलो। तो भाई ट्रैफिक में स्ट्रक हो गए, तो सोचा यार आपको एक बचपन की ना, जो कि हमें बचपन में सिखाई जाती है ना, वो आज नाद आपको सुनाता हूँ। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम देखो ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये हम इतना पढ़ते थे स्कूलों में जब मैं 4 साल या 5 साल का हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ये सिखाते थे, बोलते थे कि भाई ये नाद याद करके आनी है, हम ये पढ़ते थे। बाकी उसके बाद से तो कितनी ज्यादा नाद आ चुकी है वो बहुत सुनी है मैंने। ये मैं 10 साल पहले जो मैंने पढ़ी थी ना, अब पढ़ी है ये गाड़ी में अभी। तो खुल गया भाई ट्रैफिक, चला चला चला। ए, पार्किंग, अरे पार्किंग क्या करता हूँ, रहता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ मुझे पार्किंग मिलती नहीं है। तो कहीं पर भी खड़ी कर देते, फिर बता दूंगा कि हाँ खड़ी हो गई। आज भी बीच में खड़ी कर दी है। एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गया, कुछ लेकर नहीं आया, मेरे दिमाग में ना रहता ही नहीं है। अभी नई नई शादी हुई है ना, भूल जाता हूँ। खुल जा भाई, बहुत आला। अरे आज ये बंदा पता नहीं कहाँ गया, जिसने मुझे पप्पी की थी। तो गाइस अभी सब लोगों को मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और मैं काफी जल्दी आ चुका हूँ इफ्तारी से। ओए क्या हो रहा है यहाँ पर, गेट तोड़ के अंदर जाना है क्या? फटो। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसे हो, ठीक हो? सरप्राइज, मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज आने वाला है। आप आओगे, रिव्यू आपकी, इतने सारे रिलेशन में रहे, वाइफ बन गई, तो अब पता ही होगा आपके बारे में क्या करने वाले क्या नहीं। मैंने अम्मी को रात में बोला था कि अम्मी मैं आज नहीं बता रही, वो अचानक आएंगे। बासिल घूमने गए। कहाँ पर घूमने गया? नीचे मम्मा के साथ फ्रूट लेने गया। वहाँ पर दादा के साथ घूमने भी नहीं जा रहा, यहाँ पर नानी के साथ घूमने भी नहीं जा रहा है, उसके बड़े मजे। ये तुमने कहाँ से? वही मॉल से। बासिल की दोस्त है। आ जाओ भाई आ जाओ। शौक हो गया, वो पापा कैसे आ गए? ले पापा कहाँ चले गए थे? टिंगू 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 टिंगू। तुम्हें आना है? आजा आजा। पापा का टिंगू टिंगू। पापा सुबह सुबह खेलते हैं आपसे, और आप आज सही नहीं, तो किससे खेले फिर? जरा चीले बीले देखे। आजा। सारी बिल्डिंग्स, चील, कौवे, ये सब देखेंगे हम, मजे करेंगे। खड़े हो जाओ। टिंगू 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 टिंगू। फिट कर देती हूँ, इसका साइज नहीं है, ये इसके नाला की है। अजानों की आवाज आ रही थी, सोचा शॉर्ट लो, इतनी ज्यादा अजानों की आवाज आ रही है ना यहाँ से, दूर दूर से भी, करीब करीब से भी। सो भाई दस्तखान लग चुका है इफ्तारी के लिए, और देखे पापा का मुन्ना जो है आज इफ्तारी नहीं करेंगे, ये सो रहे हैं, कल दुआ करवा रहे हैं। बच्चों के गुनाह को माफ फरमा, हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह पाक इल्म वाली जिंदगी अता फरमा, परवरदिगार अपना ध्यान नसीब अता फरमा। अपना भाई दुआ होते होते अजान हो चुकी है, सुबह मेरी प्लेट बना दे प्लीज, घर में भी ये बना देना। तो आज है खाने में चिकन स्टिक हो गई, समोसा हो गया, आलू का, कीमे का, और पकोड़े। हमें खाते हैं फटाफट से इफ्तारी, और मैं मिलता हूं आपको इफ्तारी के बाद। इफ्तार हो चुकी है एंड में चाय, तो पैकिंग शुरू हो गई जाने के लिए। अब तो पैकिंग ही पैकिंग होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बासिल के साथ ट्रैवलिंग ही करते रहेंगे, क्योंकि अब बासिल हो गया बड़ा। पैकिंग डन, तो आ गया है केक यहाँ पर, हैप्पी 5 मंथ बासिल, आज हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह 5 मंथ के पूरे के पूरे। कल जो है ना वो 5 मंथ एक दिन हो जाएगा, तो आज ही केक काटना पड़ेगा। अब नींद में ही कटवा रहे हो, खराब हो जाएगा ना वहाँ, तो घर तक लेके जाएंगे इसलिए, हम इसको नींद में पता नहीं कब बिठा दो, लिटा लिटा इसका वेट कर रहे हैं, उठेगा ये पता नहीं क्या कर रहा है इसलिए। चलो 1 5 months हैप्पी 5 मंथ बासिल, हैप्पी 5 मंथ पापा का मुन्ना। केक इसको चटा भी दो, चॉकलेट मना होती है, हम खुद ही चाट लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। अरे तुम लोग तो भाई इस घर के आगे पीछे रहते हो, क्या हो गया? हालांकि बिल्लियां यहाँ से निकल गई हैं, जो 3 बिल्लियां थी ना, अब फिर भी यहाँ पे बिल्लियां मंडराती हैं। हमारे घर बिल्लियों का यतीम खाना है, सारी आ जाती, पता चल जाता कि खाना मिलेगा इनको। हाँ दो, थोड़ा मैंने डाले, थोड़ा इन लोगों ने डाल लिया। ईद मुबारक, रमजान मुबारक, गाड़ी 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 यहाँ खड़ी की थी मैंने, तो ऊपर ले गया, चलो ऊपर चलना पड़ेगा। वो खड़ी वो खड़ी। ओए ये गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन इनको पसंद नहीं आया, तो बोले मैं घर ले जाओ। थैंक यू।
ये FM वाले नहीं सुधरेंगे यार, क्या ही बोलेंगे। सोते हुए ही केक कट कर दिया है, सोते हुए भी घर जाना है। आगे करूँ और आगे करना पड़ेगा, और सोते हुए ही दादा से मिलेगा, दादी से मिलेगा, चाचा से, फूफो से। अच्छा उठ जाएगा, घर के नीचे ही उठ जाता है। सुबह चलते हैं डायरेक्ट घर। खुल जा खुल जा, खुल गया खुल गया। पहुंच चुके हैं घर, चलो 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 चलो। बेबी जो है भाई वो अभी तक सो रहे हैं। चलो 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 चलो। दादा का मुन्ना कोई है नहीं घर में क्या? मम्मा गई में शॉपिंग पर। देखा मैंने बताया था ना ये लोग फिर जाएंगे शॉपिंग पे और मैं नहीं जाऊंगा। लड़की है ना कसम से ये बहुत शॉपिंग पे जाती है। मैंने समझ बोला सभा एक बार शॉपिंग हो गई खत्म हो गई, बोलती नहीं नहीं दो तीन बार जाना पड़ता है, बहुत काम पड़ते हैं। उठ गया भाई, दादा ने उठा दिया भाई, दादा ने उठा दिया। पूरे रास्ते सोते हुए आया मुन्ना। गुड, ये क्या गुड्डी? गुड्डा है वो, गुड्डी नहीं है। अबे गुड्डा है भाई, आ गया है। हाँ ये आ गया। आ गई कहाँ से? कल की सैरी के लिए। इसके बगैर दिन कैसा गुजरा? सदमे में नींद में सोया उस घर में ना, उठा इस घर में तो इस सदमे में आ गया। कौन से घर में? पापा को शॉपिंग नहीं आ रही। किस चीज की? कल बासिल की। हाँ कल वाली दिखा दो, परसों वाली तो मैंने देखी नहीं थी। ये दिखा दो नानी क्या लाई है इसके। नानी के साथ शॉपिंग लाया हूँ बहुत सारी। हमने भी चार कपड़े लिए थे, ईद का कुर्ता। ये कितनी प्यारी है देखिए, और ये इसके अंदर पहनने के जो फूल नहीं होते। ये भी देख रहा है मेरी शॉपिंग दिखाई जा रही है। टाइट्स हैं जो अंदर पहने गए, ये अभी हम जो घूमने जाएंगे। सबको इतनी खुशी है ना जाने की, बासिल के साथ जाने। हाँ बासिल के साथ जाने की। ये बासिल ये करेगा वो करेगा ये करेगा, अपनी खुशी खत्म। कपड़े भी देख लिया भाई हमने बासिल के। उस दिन जो शॉपिंग की थी ना मॉल में हम सब ने जाकर, वो वाली शॉपिंग बासिल की दिखाई नहीं थी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यार बासिल की शॉपिंग दिखा दो दिखा दो दिखा दो, तो वो बाद में ही दिख लें जब ये पहनेगा। इस व्लॉग को इधर से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा ब्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो। एक चीज बताना भूल जाओ भैया, हमने आज जो है ना बासिल के 5 मंथ सेलिब्रेशन की है। मतलब बर्थडे के लिए हम वेट कर रहे हैं कि एक साल कब होगा, तो ये हमारी खुशी के लिए होता है। आप लोग को लग रहा होगा कि यार 5 मंथ का भी केक काट दिया, 4 मंथ का भी केक काट दिया, तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कि भाई जब ये एक साल का होगा तो हमारे पास एक मेमोरी रहेगी कि हमने 5 मंथ का भी केक काटा, 6 मंथ का भी काटा, 7 मंथ का भी काटा, फिर एंड में 12 महीने में एक साल। ओए ओए ओए, तो वो हम थोड़ा बिग करेंगे। कितने गोरे लग रहे हैं आप इसमें व्लॉग। तो हूँ गोरा तो लगूंगा नहीं क्या? नहीं जी। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक तो मस्ट है, थैंक यू, टेक केयर।